दोस्तों देखिए इसमें कितना ज़्यादा ज़्यादा जो इसका वायरिंग है, जो चूहा कट कर दिया है, कहीं भी इसका वायरिंग बचा नहीं है, बिल्कुल ही इसका वायरिंग बेकार हो गया है। और इसका बैटरी को भी आपको दिखा दें, इसका बैटरी भी ख़राब हो गया है। बिना बैटरी के इसको किस तरह से स्टार्ट करें? अगर दोस्तों इसको स्टार्ट नहीं करते हैं तो जो ग्राहक है अगर दूसरा जगह ले करके जाएगा बाइक, तो फिर वो तो ग्राहक आपके पास आएगा नहीं, और उसके बाद में अगर लेकर कहीं जा भी रहा है तो एक आदमी के चलते वो 10 आदमी को बोलेगा कि ये बाइक उसे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कोई भी अगर बाइक आ रहा है, अगर उसमें करंट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हमारा वीडियो देख करके उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी बाइक आपके पास से रिटर्न नहीं जाएगा। तो मैं आज आपको देसी जुगाड़ बताऊंगा, देसी जुगाड़ की मदद से आप कोई भी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये बाइक आया हुआ है, ये डिस्कवर बाइक है, और इसमें दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, ये बाइक में करंट ही नहीं बना रहा है। कोई भी कंपनी का बाइक है अगर उसमें करंट नहीं आ रहा है, तो देसी जुगाड़ अगर इसमें लगाइएगा, देसी जुगाड़ लगाने के बाद 2 मिनट के अंदर ये बाइक आपका स्टार्ट हो जाएगा, चाहे कोई भी कंपनी का बाइक हो। ये जो बाइक है हमारा, ये 2 साल रखा हुआ था, ये जो बाइक है 2 साल रखा हुआ था, जो इसका वायरिंग है वो चूहा कट कर दिया है, चारों तरफ से इसका वायरिंग चूहा कट कर दिया है। तो इसको किस तरह से वायरिंग करेंगे? बिल्कुल ही वायरिंग हमारा करने लायक नहीं है, इसको चेंज करने लायक है। इसमें कुछ भी कहाँ पे वायरिंग, कौन सा वायरिंग किसमें जुड़िएगा, बिल्कुल ये तो ख़त्म हो गया है वायरिंग। और ऐसा आपके गैरेज में आ रहा है, अगर उसको आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा, समझ जाएगा कि आपको उतना जानकारी नहीं है। तो क्या करेंगे, कितना भी वायरिंग चाहे कटा हो, उसको हम देसी जुगाड़ से पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद में वायरिंग चाहे आपको चेंज कराना हो तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसको आप देसी तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ के तौर पर ये दिखा दूँ कि ये जो बाइक है हमारा, ये बाइक में करेंट नहीं आ रहा है। देखिए इसको हम एक बार चाबी ऑन करके अच्छी तरह से यहाँ से चाबी ऑन कर दी। चाबी ऑन करने के बाद किक जब हम प्रेस करेंगे, किक प्रेस करने के बाद में जो हमारा प्लग का वायर है, इसमें एक जरा सा भी कहीं भी करेंट नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी इसमें करेंट नहीं आ रहा है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी का बाइक है अगर उसमें करंट नहीं आता है, तो हो सकता है इसका चाबी स्विच ख़राब हो। तो चाबी स्विच को डायरेक्ट करने के लिए जो हमारा चाबी स्विच में से वायर आया है, इसमें 2 वायर आया है, इसको निकाल लेंगे बाहर। निकालने के बाद में इसको डायरेक्ट करके चेक करेंगे, हो सकता है हमारा चाबी स्विच शॉर्ट हो, जिसके कारण भी बाइक में करंट नहीं बनाता है। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए हम वायर अलग से ले लिए हैं, वायर ले करके और जो हमारा चाबी स्विच का वायर है इसमें अटैच करेंगे, अटैच करके इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए इसको अटैच करेंगे, जो दोनों वायर है चाबी स्विच का, उसमें ये वायर ऐसे होल्ड कर देंगे यहाँ, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि बाइक में हमारा करंट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए बाइक हमारा डायरेक्ट हो गया और चाबी से हमारा मतलब नहीं। अब किक प्रेस करके देखेंगे कि किक जो हमारा प्लग का वायर है, इसमें हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए थोड़ा सा भी करंट नहीं आ रहा है, और इसका टाइमिंग चेन भी लूज है, आवाज़ आ रहा है, इसमें टाइमिंग चेन भी लूज है और इसमें हमारा करंट नहीं आ रहा है। बस आपको शॉर्टकट तरीके से चेक करना है। सबसे पहले अगर आपका बाइक आ रहा है, कोई भी बाइक आ रहा है, तो उसका करंट चेक करेंगे, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर करंट नहीं आ रहा है, उसके बाद में आपको एक बार ज़रूर ये चेक करना है, चाबी स्विच चेक करना है। चाबी स्विच चेक कर लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट करके चेक कर लेंगे। उसके बाद में आपको कोई भी चीज़ आपको चेक नहीं करना है। उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए आप कहीं मार्केट से एक वायर ले लीजिएगा, देखिए यहाँ से वायर ले लीजिएगा, यहाँ से वायर ले लीजिएगा। वायर लेने के बाद में, यहाँ पे वायर लेने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चाबी स्विच निकाल लेना है। चाबी स्विच निकालने के बाद में 2 वायर है हमारा, 2 वायर है, इसमें 2 वायर में एक रेड कलर का वायर होगा, दूसरा जो दूसरा कंपनी का बाइक होगा, जैसे हीरो हुंडा या कोई भी कंपनी का बाइक होगा, उसमें रेड वायर होगा। मगर इसमें दिया है हमारा कौन सा वायर दिया है, देखिए इसमें हमारा वाइट कलर का वायर दिया है, और इसमें हमारा एक वायर एक और दिया है। दोनों में हमारा एक में करंट आना चाहिए। अगर करंट नहीं आ रहा है तो इसको चेक करेंगे, तो ये बाइक में हम चेक करेंगे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, जो दोनों वायर है इसमें एक वायर में करंट आना चाहिए, तो ये बाइक में बैटरी हमारा डेड है। बिना बैटरी के इसको अब इसको आपको दिखाएंगे, इसको किक मार करके, किक प्रेस करके देखेंगे कि इसमें हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसमें करंट नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। तो क्या करना है आपको, इसको जैसे डायरेक्ट था, जैसे डायरेक्ट किए थे वैसे डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे पहले डायरेक्ट था ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे। इसमें हमारा दोनों वायर में करंट नहीं आ रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। इसको डायरेक्ट करके रखना है, ये डायरेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा बैटरी का जो कनेक्शन आता है, यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन आता है, इसमें तो हमारा बैटरी का कनेक्शन समझ में ही नहीं आ रहा है, कौन सा वायर कौन सा चूहा कैसे कैसे काट दिया है। इसमें बैटरी का भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वायर में वायरिंग करें, तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा जो देखिए, यहाँ पे हमारा जो वाइट कलर का वायर है, इसमें किक प्रेस करने के बाद में करंट आना चाहिए, कहीं भी एक जरा सा भी आपको करंट रहना चाहिए। अगर इसमें बाइक अगर इसका देखिए, अगर इसमें बैटरी रहता है तो बैटरी से भी हम कर लेते हैं, मगर इसका बैटरी डेड हो गया है। तो क्या करेंगे, इसमें हम जो वाइट कलर का वायर है इसमें करंट चेक करेंगे, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें करंट चेक करने के लिए यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पे वाइट कलर का वायर है, इसमें वाइट कलर का जो वायर है इसमें हम एक वायर यहाँ से अटैच कर दिए हैं। अटैच करके अब इसमें देखेंगे कि कहीं इसमें हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें तो करंट आना चाहिए,
एक जरा से भी थोड़ा सा भी करंट रहना चाहिए तब तो बाइक आपका स्टार्ट होगा। तो क्या करेंगे, इसको किक प्रेस करेंगे, यहाँ से किक प्रेस करेंगे। देखिए किक प्रेस करने के बाद इसमें चेक करेंगे करंट आ रहा है। देखिए दोस्तों इसमें करंट आ रहा है, एक बार ध्यान से आपको दिखाएंगे। देखिए देखिए दोस्तों इसमें करंट आ रहा है हमारा। देखिए दोस्तों एक बार ध्यान से आपको दिखाएंगे, यहाँ से जब किक प्रेस कर रहे हैं तो इसमें से हमारा करंट आ रहा है। देखिए देखिए करंट आ रहा है, तो हमारा करंट आ रहा है। तो अब क्या करना है, इसमें तो हमारा करंट आ गया, तो इसको शॉर्टकट तरीके से चेक करने के लिए जो वायर है इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है, और वायर को बड़ा रखना है। उसके बाद में यहाँ से आपको चाबी स्विच के पास में आ जाना है, यहाँ पे चाबी स्विच में आ जाना है, और चाबी स्विच में आने के बाद में यहाँ से जो वायर है इसका निकाल लेना है। निकालने के बाद देखिए इसको निकाल लेना है, और निकालने के बाद जो डायरेक्ट वायर किए हैं उसको डायरेक्ट ही रहने देना है। उसके बाद में क्या करना है, जो रेड कलर का वायर होगा, मगर ये बाइक में हमारा व्हाइट कलर का वायर है, तो इसमें व्हाइट कलर में ये जो वायर है इसको अटैच कर देंगे, यहाँ पर अच्छी तरह से अटैच करेंगे ताकि यहाँ हमारा थोड़ा सा लूज कनेक्शन ना हो। इसको यहाँ से अटैच कर देंगे, देखिए यहाँ अटैच हो जाएगा। उसके बाद में तो हमारा 100% करंट आना चाहिए। बिल्कुल देसी जुगाड़ से आपको हम समझा रहे हैं, वायरिंग आपको कभी भी अगर करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो वायरिंग को कर दिया हूँ, उसके बाद में इसका चाबी ऑफ रहे या ऑन रहे उससे मतलब नहीं है, मगर फिर भी इसका ऑन रख करके और बाइक हम स्टार्ट करके देखेंगे, करंट चेक करेंगे। अब इसका हम करंट चेक करेंगे किक प्रेस करने के बाद में, जो प्लग का वायर है इसमें हम करंट चेक करेंगे, करंट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये बाइक में हमारा करंट आने लगा। देखिए ये बाइक में हमारा करंट आ रहा है, तो हो सकता है कि जब करंट आ रहा है और शॉर्टकट तरीका से हम देसी जुगाड़ से इसमें जो वायरिंग किए हैं, तो हो सकता है बाइक जब स्टार्ट हो तो मिसिंग भी करे। तो आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, इसका प्लग हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि ये बाइक में हमारा कहीं मिसिंग नहीं करा है। अगर मिसिंग करेगा तो फिर इसमें दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। तो दोस्तों ये बाइक स्टार्ट करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, आपके बाइक में पेट्रोल होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो नहीं होगा। तो चलिए बाइक को हम स्टार्ट करके देखेंगे कि बाइक हमारा मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो वायरिंग है वो हम देसी जुगाड़ से किए हैं तो हो सकता है मिस भी करे। तो इसको चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद देखेंगे। देखिए तो ये बाइक तो हमारा मिस नहीं कर रहा है, तो इसको इसी तरह से चलाएंगे और इसका क्या करेंगे, इसका वायरिंग चेंज करेंगे। अगर वायरिंग चेंज नहीं करेंगे तो इसमें शॉर्ट सर्किट होकर के फिर से ये प्रॉब्लम आ सकता है दोबारा, और कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो इसको आप देसी जुगाड़ से आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो बाइक है इसको हम वायरिंग शॉर्टकट तरीके से कर लिए हैं, और इसको चला करके भी देखेंगे कि हो सकता है कि मिस करे चलाने के बाद में। स्टार्ट करके चला करके आपको दिखाएंगे कि हो सकता है ये हमारा मिसिंग करे, तो आपको दिखाएंगे लाइव प्रूफ, सारा चीज़ लाइव प्रूफ दिखाएंगे। ये कहीं भी मिसिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही सही है हमारा जो शॉर्टकट तरीका से वायरिंग किए हैं, बिल्कुल ही सही है। इसी तरह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप शॉर्टकट तरीका से, चाहे स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो चाहे करंट प्रॉब्लम हो, उसको शॉर्टकट तरीका से चेक कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते होंगे कि वीडियो हमारा आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।